सूर्य ग्रहण की तरह दिखने वाले इस कोविड-19 कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया पर ग्रहण लगा के रखा हुआ है। बड़े से बड़े देश, अमीर से अमीर देश आज नतमस्तक है इस वायरस के आगे। हमारे भारत में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है और हर रोज इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कुछ जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है कि इसके लक्षण क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लक्षणों में सबसे पहले है बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। किसी किसी को जोड़ों में दर्द और थकावट भी होती है। ये सिंपल कोल्ड एंड फ्लू की तरह नहीं है। जैसे आमतौर पर हमें सर्दी जुकाम होता है, उसमें हमें बहती नाक और रनिंग नोज और स्नीजिंग, छींके वगैरह आती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसके इन इन इनको इसका सिम्टम्स नहीं माना जा सकता है। अगर हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने आप को, अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें 7 दिन तक अपने आप को अपने घर में ही रहना है और अपने आप को आइसोलेट करना है। अगर हमारे साथ परिवार भी है तो हमें पूरे परिवार को 14 दिनों तक अपने घर में आइसोलेट करना है। अगर इसके लक्षण 7 दिन में बढ़ जाते हैं तो हमें अपने डॉक्टर को इसे दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अगर ये पकड़ में आ जाए तो जान बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इंटरनेट पे जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ में जो खबरें आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि इसका दुष्प्रभाव जो है वो 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जिनकी जो दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, उनको इससे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से ऊपर ही बताई जा रही हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, इससे क्या ये हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, करनी है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, और अगर हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हमें 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से धोना है अच्छी तरह से, और अपने मुंह के ऊपर अपने हाथों को बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो वायरस है हमारी आँख, नाक और मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अगर हम अपने हाथों को मुंह के साथ लगाएंगे तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम में ये लक्षण पाए जाते हैं तो हमें अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखना है, और जब भी उस मास्क को उतारें या उसे फेंकें तो इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उस मास्क से भी कई लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उस मास्क को सैनिटाइज करके अच्छी तरह से ठिकाना लगाएं। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वायरस को सिर्फ हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी अपने घरों में बैठ के। जितना हम सोशलाइज होंगे, लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखेंगे, उतना ज़्यादा ये वायरस फैल रहा है। क्योंकि ये वायरस जो है वो मैन टू मैन ट्रैवल करता है। जब भी हम किसी और व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो वायरस हम में प्रवेश कर जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने घरों में बैठे रहें, बाहर बिना मतलब के ना घूमें। आज के समय में जितना हम अपने घर में रहेंगे उतना हमारा परिवार और हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जब तक ये वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता, हम लोग जितना लोगों से मेल मिलाप बंद रखेंगे, कम रखेंगे, उतना हमारे लिए सुरक्षा है। हम उतने सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा।